नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे एटीएस न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं श्री भगवान सिंह और आप देख रहे हैं एटीएस न्यूज 11। लगातार बिहार सरकार साथ में इस निश्चय योजना के तहत हर गांव में पक्की नली सड़क योजना बना रही है, लेकिन फिर भी जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। आपको हम दिखा दें कि सब गांव में तो बरसात में जल जमाव की स्थिति होती है, लेकिन यहां पर जगह के मौसम में भी बनी रहती है। इसी संदर्भ में मैं अभी रामपुर प्रखंड के कैमूर जिला के करमचट थाना के अमाव गांव में हूं और आपको फेस टू फेस दिखा रहा हूं ग्राउंड पर कि किस तरह से यहां के मुख्य सड़क है, यहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और आइए मैं आपको यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करके मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जल जमाव है तो क्यों है। बहुत काफी बस परिस्थिति है सर, बहुत ज्यादा बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में और कितना यहाँ परेशानी हो रहा है। अब हम लोग क्या करें सर, हम ठीक है। आइए और हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। दादा जी आपके नाम? रोगी शाह। आखिर बताइए कि ये स्थिति क्यों हुआ है इसे? हम कहा कहीं बहुत गति बा, कल हमारे एक बोरा धान यही में गिर गया। एक बोरा धान भोगत रहे। आखिर क्यों ये जल जमा हुआ है आप बताइए। अब कहा हमको ही, अब तो ऐसा समझ है कि एकरा में समझ है कि कोई कहता कि हम जही ना दे दे अपना में, तो अब का करें, मरा तो नहीं जा, कोई जाए नहीं दे रहा है ना। आपका क्या नाम? मुबारक। क्यों जल जमाव? जल जमाव इसलिए है कि इधर नाली जो है ये पश्चिम के तरफ जा करके एक बिहार सरकार जमीन है उसी में जाकर ये नाली गिरता है। हाँ। और वो बिहार सरकार में से पानी जम करके और मैंने खेत में जाता है, सीढ़ता है, तो वो खेत वाले आ करके हम लोगों के नलिया यही बंद कर दिए। खेत वाले नलिया कर बंद कर दिए? आखिर क्यों बंद किए? इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारे खेत के तरफ पानी आप लोगों का नहीं जाएगा। लेकिन पानी तो बिहार सरकार में बहता है। बिहार सरकार में नली का पानी जो है बिहार सरकार में गिरता है, बिहार सरकार का पानी जो है जाके कास्ट में हो जाता है। बिहार सरकार का पानी कास्ट में गिरता है, जो जल जमाव हो जाता है, फिर वो हाँ तो वो जा करके सीढ़ता है, मैंने खेत में परिवर्तन अंदर ही अंदर कर जाता। बिहार सरकार की जमीन तो वहाँ काफी होगी? है, ज्यादा नहीं है। तब पर भी कितना होगा? लगभग वो लंबाई है 10 फीट का चौड़ाई है और लंबाई है कम से कम 500 फीट। लंबाई 500 फीट, चौड़ाई 10 फीट, 5000 फीट हो करके जा करके वो एक तालाब है उसी में हो गया। ये तो